वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप फर्स्ट वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे तो आगे के एपिसोड आपको समझ नहीं आएंगे। सेकंड पॉइंट, अगर आपके किसी फ्रेंड को एनिमे से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। अगर आपको इस एनिमे से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। और चलिए इंट्रो लगा के अब एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है अताशी नाम के एक लड़के से। अताशी एक ऑर्फनेज में रहने वाला लड़का था। उसे कुछ दिन पहले ऑर्फनेज से निकाल दिया गया। अताशी मन में बोलता है, वन बॉल ऑफ टी, राइस एंड चिकन सूप डिनर में बहुत अच्छा होता। मैं बहुत भूखा हूँ और कुछ दिन से सोया भी नहीं। अताशी को ऑर्फनेज की याद आती है। तब वो जोरों से चिल्लाता है, मैं मर नहीं सकता, मुझे जीना है, मुझे खुद को साबित करना है, मैं उस चोर से अपना बदला लूँगा। तब अताशी को कोई पानी में डूबते हुए दिखता है। अताशी जाके उसे बचा लेता है, पर वो आदमी सुसाइड करना चाहता था। वो आदमी कहता है, मैं सुसाइड कर रहा था, तुमने यहाँ आके इंटरफेयर क्यों किया? तब अताशी के पेट से आवाज़ आती है, क्या बच्चे तुम्हें भूख लगी है? अताशी कहता है, मैंने कुछ दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे भी भूख लगी है, चलो कुछ खाते। पर मेरा वॉलेट तो रिवर में बह गया। रिवर की दूसरी साइड से कोई चिल्लाता है, तुम बेवकूफ, मुझे सुन रहे हो? इधर देखो। तब वो आदमी कहता है, नाइस वर्क कोनिकीडा। कोनिकीडा कहता है, तुम बेवकूफ, तुम्हारे कारण मेरे दिन का शेड्यूल खराब हो रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? अताशी कहता है, नाकाजीमू अताशी। चलो कोनिकीडा, 30 बॉल ऑफ राइस खाते हैं। कोनिकीडा कहता है, मेरे पैसे वापस करो डजाई। अताशी कहता है, डजाई? हाँ, ये मेरा नाम है, डजाई उजामू। अब वो तीनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। अताशी का पेट भर जाता है। अताशी उन दोनों को बताता है कि मैं ऑर्फनेज में रहता था। डजाई कहता है, हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं। कोनिकीडा कहता है, हम आर्म डिटेक्टिव एजेंसी के लिए काम करते हैं, बच्चे हम सुपर नेचुरल थिंग्स और ह्यूमंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अताशी डरते हुए मन में सोचता है, एजेंसी, मैं एजेंसी को जानता हूँ, ये लोग सुपर नेचुरल पावर यूज़ करते हैं, पर इन दोनों को डिटेक्टिव किसने बनाया? अताशी डजाई से कहता है, तो आप रिवर में क्या काम कर रहे थे? डजाई और कोनिकीडा बताते हैं, हम कई दिनों से एक मैनेजर टाइगर को ढूंढ रहे हैं, पर वो हमें कहीं नहीं मिल रहा है। अताशी डरते हुए कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कोनिकीडा अताशी को पकड़ लेता है और कहता है, बच्चे तुम कुछ जानते हो, चलो अब मुझे बताओ, उसने मुझे मार ही डाला था, मुझे जाने दो। डजाई कहते हैं, तुम टाइगर के बारे में क्या जानते हो? अताशी कहता है, उसने ऑर्फनेज में हमला किया, हमारे चिकन्स भी मार दिए, हमारा खेत खराब कर दिया, ऑलरेडी ऑर्फनेज में पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी, ऑर्फनेज वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया। 2 हफ्ते पहले मैंने उसे सुरामी में देखा, वो मेरे पीछे ही था, मैंने जैसे ही उसे देखा मैं वहाँ से भाग गया। डजाई कहते हैं, ऐसा कब हुआ? 2 हफ्ते पहले सुरामी विलेज में। डजाई कोनिकीडा को एजेंसी भेज देते हैं और अताशी के ना चाहते हुए भी उसे लेकर सुरामी विलेज चले जाते हैं। अताशी घबराते हुए कहता है, डजाई अब बुक पढ़ रहे हो? हाँ, एक अच्छी बुक। अताशी कहता है, आई एम सरप्राइज्ड, आप अंधेरे में भी बुक पढ़ रहे हो। डजाई कहते हैं, मेरा अच्छा विजन है। अताशी कहता है, क्या यहाँ टाइगर आएंगे? डजाई कहते हैं, टाइगर आ गया है। अताशी घबरा जाता है। डजाई कहते हैं, डोंट वरी। अताशी कहता है, उस टाइगर के कारण मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, लगता है वो आ रहा है। अताशी घबराते हुए कहता है, वो मुझे मार देगा। डजाई चांद को देखते हुए कहते हैं, काम डाउन अताशी, वो आ रहा है। अताशी कहता है, तुम कैसे जानते हो कि वो आ रहा है? डजाई कहते हैं, क्यों ऑर्फनेज ने बस तुम्हें बाहर निकाला? अताशी कहता है, डजाई आप क्या सोच रहे हो? डजाई कहते हैं, 2 हफ्ते पहले तुम सिटी आए और 2 हफ्ते पहले ही टाइगर का फर्स्ट केस आया था। कुछ लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर होती है, कुछ इसे आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। डजाई कहते हैं, तुम्हारे पास भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं, मूनलाइट पे बीस्ट बनने की। अताशी डजाई के साथ फाइट स्टार्ट कर लेते, पर डजाई उसे आसानी से हरा देते हैं और उसे वापस इंसान में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तब कोनिकीडा पीछे से एजेंसी के 3 लोगों के साथ आता है। फर्स्ट लेडी का नाम
योशानो अकीको होता है। सेकंड लड़के का नाम इडोगावा रैम्पो होता है और थर्ड लड़के का नाम मियाजावो केंजी होता है। तब डजाई बोलते हैं, उठ जाओ लड़के। अच्छोशी उठकर बोलता है, यहाँ क्या हुआ? डजाई कहते हैं, अपने हाथ को देखो। डजाई कहते हैं, नागाजीमा उच्चासी, अब तुम हम में से एक हो। और यहाँ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।